तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट हाउ केपीएमजी परफॉर्म बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड स्क्रीनिंग फॉर दी जॉब, और एम्प्लॉय के लिए बेसिकली जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है वो केपीएमजी कैसे करता है। तो हम यहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ एनी जॉब। तो यहाँ सबको पता है ऑलमोस्ट की केपीएमजी एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वो अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहा है तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ पे आपको होने वाला है, जिसमें 5 से 6 पॉइंट हैं। हम उसके बारे में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले आता है वेरिफिकेशन फॉर्म, जिसमें सबसे पहले होता है आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हो गया, आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, एंड आपका पर्सनल रेफरेंस चेक। तो ये बेसिकली एक इनिशियल प्रोसेस होता है जो कि एज ए वेरिफिकेशन फॉर्म आपको देना ही पड़ता है। एंड आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, सेकेंड टॉपिक पे बात करते हैं। केपीएमजी जब आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चेक करता है तो वो आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टेक्ट करता है, आपका डेजिग्नेशन पूछता है, आपका टाइटल पूछता है, सर्विस हिस्ट्री पूछता है कि आप कब से कब तक वर्किंग थे वहां पे। वो सारी डिटेल आपकी बैकेंड से निकाली जाती है, आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कि एक सिंपल मैं आपको एक यहाँ पे लाइन बताऊं कि वो केपीएमजी टाइप करके डालेगा आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके यहाँ इस डेट से इस डेट तक वर्किंग था कि नहीं था, लास्ट डेजिग्नेशन क्या थी, एंड परफॉर्म कैसा करता था। तो मे बी परफॉर्म का जो ऑप्शन है वो मे बी होता है, क्योंकि ये कई बार नहीं भी पूछते हैं, कई बार ये पूछते भी हैं, बट ये आप मान लो कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से आपका डेटा जरूर निकालते हैं कि कब से कब तक वर्किंग थे एंड लास्ट डेजिग्नेशन क्या थी। एंड अब बात करते हैं एजुकेशनल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका चेक होता है डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया। तो बेसिकली आपका जो डिग्री है, मार्क्सशीट से सर्टिफिकेशन है, ये आपके इंस्टीट्यूट के रेफरेंस के थ्रू चेक होता है। कई बार हो सकता है वो इंस्टीट्यूशन में या उस कॉलेज में बंदा विजिट करता है वहाँ देखता है, या उस यूनिवर्सिटी बोर्ड के थ्रू आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है क्लियरली। क्रिमिनल हिस्ट्री नेक्स्ट पॉइंट। तो केपीएमजी कई बार क्या होता है, मैं चेक योर क्रिमिनल हिस्ट्री एज वेल फ्रॉम लाइक योर रेस्पेक्टिव जो आपके थाने होते हैं नियर बाई या जो पुलिस स्टेशन होते हैं, बेसिकली वहाँ पे क्रिमिनल हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। बट ये इन सम केस होता है, बट आप ये मान के चलो अगर वो कंपनी रिक्वायरमेंट डालती है, जैसे आप एबीसी कंपनी के लिए जा रहे हो, वो कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराती है केपीएमजी से, तो क्या होगा, केपीएमजी फिर क्या करेगा, आपका क्रिमिनल हिस्ट्री भी चेक करेगा। इनकेस अगर आप केपीएमजी के लिए ही जा रहे हो, उसी के लिए आपका प्लेसमेंट हुआ है, तो केपीएमजी भी आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी चेक कर सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्रेडिट हिस्ट्री। तो क्रेडिट हिस्ट्री पहले चेक नहीं होता था, बेसिकली जिसको हम सिविल स्कोर बोलते हैं, अब बैंक सेक्टर में एंड फाइनेंशियल सेक्टर में आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक होता है, एंड सिविल जिसको हम सिविल स्कोर बोलते हैं, तो वो भी अब कई कंपनी चेक करने लगे हैं। सो मैक श्योर अगर आप किसी एक बिग एमएनसी के लिए जा रहे हो, या आप एक फाइनेंस सेक्टर में जा रहे हो, या किसी बैंक में जा रहे हो, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए उसमें आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर होने के लिए। एंड रेफरेंस चेक, जाहिर सी बात है आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो आपसे रेफरेंस वहाँ पे मांगा जाता है कि अपने फ्रेंड्स का नंबर दो, अपने कॉलिग्स का नंबर दो, और वहाँ पे आप कॉलिग्स का नंबर शेयर करते हो तो उनसे फ़ोन करके वो आपका बिहेवियर पूछते हैं और कब से आपको जानते हैं, उस सिटी में कब से आप रह रहे हो। तो ये एक नॉर्मल सा रेफरेंस चेक होता है कि जिसका आपने नंबर दिया है आप उसको जानते भी हो कि नहीं जानते, और वो आपके बारे में कितना जानता है वो पर्सन, ये एक रेफरेंस चेक होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रग स्क्रीनिंग। कई बार के केस में जैसे कि कुछ कंपनीज हैं, ये ज़्यादा तो नहीं है, 2-4-5% के केस में आपका ड्रग स्क्रीनिंग भी होता है कि किसी भी तरीके का अल्कोहल है कि, या मतलब जो ड्रग्स वगैरह मेनली होता है उसमें विस्की वाइन या बियर ये मेंशन नहीं होता, बट ड्रग वगैरह का भी कई बार कंपनी क्रॉस चेक कर लेती हैं अगर इन केस रिक्वायर्ड है तो, बट ये 2-4-5% के केस में होता है, हर एक कंपनी में मैंडेटरी नहीं है। एंड एक नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल सैंक्शन वॉच लिस्ट। बेसिकली ये चेक करते हैं कि जो कंप्लायंसेस वगैरह है, जो लीगल है, वो सारा कुछ ओके है कि नहीं है। ये बहुत कम होता है, ये मेनली गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा होता है, बट इसको आप इग्नोर कर सकते हो, नॉर्मली ये कंपनीज करती नहीं है जल्दी से। ये जो लास्ट पॉइंट है, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जा रहे हो, इवन केपीएमजी के लिए जा रहे हो, विप्रो, आईबीएम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, किसी भी टॉप एमएनसी कंपनी के लिए जा रहे हो, तो मैक श्योर आप किसी भी तरीके का फेक या फ्रॉड नहीं कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि उनके साथ अगर फेक और फ्रॉड कर रहे हो तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, आपका रेड फ्लैग हो जाएगा। मैंने एक वीडियो उस पर बनाया है कि
एमएनसी कंपनी का ना तो टर्मिनेशन अच्छा होता है, मतलब एक डिसएडवांटेज के बारे में बताया था, एक एडवांटेज के बारे में बताया था कि एमएनसी कंपनी में प्लेस होने के लिए या वहाँ अगर आपको जॉब मिलती है तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो अच्छा नहीं होता अगर आप किसी एमएनसी कंपनी से टर्मिनेट हुए हो, इवन इन द लास्ट की अगर आपको किसी एमएनसी कंपनी ने भी टर्मिनेट कर दिया तो आपको जॉब मिल जाती है, चांसेस होते हैं, बट आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको किसी कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया तो आपको कभी जॉब ही नहीं मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट आई विल सजेस्ट यू दैट डू नॉट अप्लाई एनी फेक और फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स टू एनी ऑफ दी मल्टीनेशनल कंपनी। एंड बाकी अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट के लिए जॉब सर्च कर रहे हो तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको 95% इंटरव्यू में वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एंड मेरा बेस्ट रिज्यूमे पड़ा जो कि आपको 99% शॉर्ट लिस्ट कराने वाला है जॉब पोर्टल पे। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप उसमें मुझे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे चार्जेस होते हैं 199, 30-40 मिनट में आपके साथ ओवर कॉल डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।